बार दिवाली पर पूजा का मुहूर्त नहीं है। 24 अक्टूबर की शाम 5 बजे से ही लक्ष्मी माँ की पूजा की जा सकेगी, क्योंकि कार्तिक अमावस्या इसी शाम से शुरू होगी और अगले दिन शाम 5 बजे तक रहेगी। लेकिन 25 को सूर्य ग्रहण लगेगा, इसलिए लक्ष्मी माँ का पूजा मुहूर्त की शाम और रात ही रहेंगे। वहीं कई सालों बाद दीपावली पर बुध, गुरु, शुक्र और शनि खुद राशि में रहेंगे। साथ ही लक्ष्मी पूजा के समय 5 राज योग भी रहेंगे। ये ग्रह सुख, समृद्धि और लाभ का संकेत देंगे, इसलिए ये दिवाली काफी शुभ रहेगी। आपको बता दें, स्कंद, पद्म और भविष्य पुराण में दीपावली को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। एक कथा के मुताबिक महाराज पृथु ने पृथ्वी दोहन कर देश को धन और धान्य से समृद्ध बनाया, इसलिए दीपावली मनाते हैं। वहीं भगवत गीता में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन से कार्तिक महीने की अमावस्या पर लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी। मार्कंडेय पुराण का कहना है कि जब धरती पर सिर्फ अंधेरा था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर बैठी देवी प्रकट हुई। वो लक्ष्मी माँ थी। उनके प्रकाश से ही संसार बना, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा की परंपरा है। वहीं श्री राम अयोध्या लौटने के स्वागत में दीपावली मनाने की परंपरा है। स्कंद और पद्म पुराण के अनुसार इस दिन दीप दान करना चाहिए, इससे पाप खत्म हो जाते हैं। वहीं ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या की आधी रात में लक्ष्मी अच्छे लोगों के घर आती है, इसलिए घर को साफ और सजा कर दीपावली मनाने की परंपरा है। इससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और लंबे समय तक घर में रहती हैं। वहीं हम आपको बता दें कि दिवाली की पूजा कैसे करें। पानी के लोटे में गंगा जल मिलाएं, वो पानी कुसा या फूल से खुद पर छिड़काव कर पवित्र करें। पूजा में शामिल लोगों को और खुद को तिलक लगाकर पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले गणेश, फिर कलश और उसके बाद स्थापित सभी देवी देवताओं और आखिरी में लक्ष्मी माँ की पूजा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।